नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन में लापरवाही। महाराष्ट्र में इमरजेंसी पास जारी कर वाधवान फैमिली के 23 लोगों को फार्म हाउस भिजवाया गया। ऐसा करने वाले आईपीएस अफसर छुट्टी पर भेजे गए। कपिल और धीरज वाधवान DHFL के प्रमोटर है। धोखाधड़ी केस में CBI उनके खिलाफ जांच कर रही है। आईपीएस अफसर की ओर से पास जारी करने पर वाधवान फैमिली के लोग बुधवार को खंडाला से महाबलेश्वर पहुंचे थे। पुलिस ने कपिल वाधवान और परिवार के 22 लोगों पर लॉकडाउन के नियम तोड़ने का केस दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारी की ओर से लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां गृह विभाग के प्रधान सचिव के तौर पर आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता ने DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवान के परिवार के लिए इमरजेंसी पास जारी किया। इसी पास के आधार पर वाधवान परिवार के 23 लोग बुधवार को 5 गाड़ियों में सवार होकर खंडाला से महाबलेश्वर स्थित अपने फार्म हाउस पहुंच गए। लापरवाही के मामले में आईपीएस गुप्ता को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा गया है। वाधवान परिवार को एक बिल्डिंग में क्वारंटाइन किया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने गुप्ता की ओर से जारी लेटर की कॉपी ट्वीट करते हुए लिखा, उद्धव ठाकरे सरकार वाधवान को VIP ट्रीटमेंट दे रही है। इसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वाधवान परिवार के 23 सदस्य महाबलेश्वर कैसे पहुंचे इसकी जांच हो रही है। उन्होंने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद प्रधान सचिव गुप्ता को उनके खिलाफ जांच जारी रहने तक अवकाश पर भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है। अब हम आपको बताते हैं कि आईपीएस गुप्ता ने लेटर में क्या लिखा था। निम्नलिखित को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पारिवारिक मित्र है और परिवार में इमरजेंसी के कारण वो पुणे के खंडाला से सतारा के महाबलेश्वर तक की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि उनके इस कदम से सरकार नाराज हो गई है क्योंकि सरकार सभी लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण अब तक 1380 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वही 97 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में मौत और संक्रमण के अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही है। गुरुवार को ही राज्य में सबसे ज्यादा 229 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 79 केस मुंबई BMC क्षेत्र के है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।